Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बात करेंगे क्या है आमेर के किले का रहस्य। कहते हैं कि इस किले को राजा मन सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। आमेर किले को अंबर पैलेस या अंबर किला कहा जाता है। यह किला राजस्थान के आमेर नामक स्थान पर एक पहाड़ी पर स्थित है। जयपुर शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमेर किला पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। कहते हैं कि इस किले को राजा मन सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किले में बहुत से दर्शनीय दरवाजे और छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं। साथ ही ये तालाब किले के अंदर पानी का मुख्य स्रोत है। कहते हैं कि प्राचीन काल में अंबावती और अंबिकापुर के नाम से जाना जाता था। आगे जानते हैं इस किले का रहस्य। आमेर का किला लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इस किले के अंदर बहुत ही आकर्षक कमरे बने हैं। माना जाता है कि इस आमेर किले का निर्माण 2 शताब्दियों में किया गया था। साथ ही यह महल लंबे समय तक राजपूत महाराजाओं के मुख्य निवास स्थान के रूप में इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान के आकर्षणों में ऐतिहासिक आमेर अपनी गौरवशाली कथाओं और नक्काशी कलात्मक सेल्सिस महल के लिए प्रसिद्ध है। आमेर का किला उच्च कोटि की शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इस किले के अंदर बने महल अपने आप में बेमिसाल हैं। उन्हें महलों में से एक है शीश महल, जो अपनी आलिशान और अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक किले में राजा मान सिंह, राजा जय सिंह और राजा सवाई सिंह ने बनवाया था। किला में दीवान ए खास, दीवान ए आम, शीश महल, जब मंदिर और सुख निवास भी बना हुआ है। यह हमेशा ठंडी और हवा चलती रहती है। वहीं किले के प्रवेश द्वारा गणेश गेट पर चैतन्य पंथ की देवी शिला देवी मंदिर का बना हुआ है, जो राजा मानसिंह को दिया गया था। कहते हैं कि जब उन्हें 1604 ईस्वी में बंगाल के जैसौर के राजा को हराया था, महल और जावगढ़ किले को एक ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है, क्योंकि दोनों किले एक गुप्त मार्ग से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि युद्ध के समय इस गुप्त रास्ते को शाही परिवार के सदस्यों को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। बता दें कि 2013 में इस किले की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट।